सरकार निरंकुश हो चुकी है। इस निरंकुश सरकार को जगाने रांची की जो युवा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में निकले हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार है। ये निकम्मी सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है कि जब जब युवा डोला है तो राज सिंहासन डोला है। जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के मेन रोड शहीद चौक में पहुंची है, जहां पर भारतीय युवा जनता मोर्चा द्वारा उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। हेमंत सरकार में बेरोजगारी से तंग आकर बढ़ते आत्महत्या के मामले, युवाओं के साथ हुई वादा खिलाफी, भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, अतिक्रमण के नाम पर अत्याचार एवं फुटपाथ दुकानदारों के साथ हो रही ज्यादती के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर जिला द्वारा उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि इनका क्या कहना है, आज का घेराव क्यों हो रहा है। नहीं नहीं, सरकार हमारी बातों को या जनता की बातों को क्यों सुनेगी, क्योंकि भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार है। ये निकम्मी सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन एक सशक्त विपक्षी दल होने के नाते जनता की आवाज़ को सदन से लेकर सड़क तक मुखरित करना हमारा दायित्व तो है, धर्म है, और उसी नाते आज हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग डीसी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने वादा किया था कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7,000 रुपये, जो ग्रेजुएट है उसको 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दें। 26 महीने हो गए, आज तक एक भी नौजवान को रोजगार तो नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, लेकिन जिनको रोजगार मिला हुआ है उनके रोजगार को भी ये छीनने का काम कर रहे हैं। दो प्रमुख चीजों को टेंडर नहीं कर पाए, रांची में ट्रैफिक एसपी का पोस्ट एक साल से खाली है, क्या मतलब है? यह पूरी तरह सरकार निरंकुश हो चुकी है। इस निरंकुश सरकार को जगाने रांची की जो युवा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में निकले हैं, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया उन्होंने। तभी आज रांची के युवा सड़कों पर हैं, और उन्होंने वायदा किया था चुनाव के पूर्व कि हर साल हम 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो कुर्सी पर लात मार देंगे। एक साल युवाओं ने इंतज़ार किया, 2 साल इंतज़ार किया, अभी तक उन्होंने कुर्सी पर लात नहीं मारी। अब समय आ गया है कि जनता कुर्सी पर लात मार देगी, क्योंकि पूरी तरह निरंकुश हो चुका है पूरा शासन, पूरी व्यवस्था कॉलेप्स हो चुकी है, रूल ऑफ लॉ ध्वस्त हो चुका है। ना बेरोजगारी भत्ता, न रोजगार, जो स्वरोजगार कर रहे थे उनको भी उखाड़ के फेंक दिया था। मेरे लाख रांची लोकसभा में 30-35 हज़ार दीदियाँ भैया जो काम कर रहे थे, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सब सड़क पे आ गए। तो कब तक युवा चैन सांस से बैठेगा? तभी आज ये लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के कार्यकर्ता युवा डीसी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार है, जनता तो भाई इंतज़ार करती है। और वायदे पे आप मुकरोगे, वायदे पे मुकरोगे तो लोकतांत्रिक अधिकार के तहत लोग धरना प्रदर्शन जुलूस निकालेंगे। आज उसी क्रम में हज़ारों जो युवा हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं। देखिए, आज इतने सारे युवा सड़कों पर आए हैं क्योंकि सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। 5 लाख रोजगार देने का वादा इन्होंने युवाओं से किया था, अभी तक कोई रोजगार नहीं दिया। 2.5 साल की सरकार की हो गई है, युवा पूरी तरीके से सरकार से परेशान है और युवाओं का आक्रोश आज सड़कों पर है। और हेमंत सोरेन जी को इस जन आक्रोश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर युवा चाहेंगे तो आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। आज रांची के सड़कों पर युवा आए हैं क्योंकि जब जब युवा डोला है तो राज सिंहासन डोला है। डीसी ऑफिस घेराव करने से क्या आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? अगर सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना है तो सरकार का एक माध्यम होता है, इसलिए हम लोग डीसी का माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप क्या कीजिए? ये आंदोलन लगातार सड़कों पर चलता रहेगा, यूं ही। तो जैसा कि आपने देखा कि बेरोजगार युवाओं में काफी आक्रोश भरा पड़ा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये लोग डीसी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।